रायबरेली पहुंचा अयोध्या से पूजित अक्षत कलश। 1989 में अयोध्या से श्री राम शीला गांव गई थी। आज 5 नवंबर 2023 को अयोध्या से पूजित अक्षत देश भर से आए सभी प्रांतों के कार्यकर्ताओं को सौंपे गए। रायबरेली विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष विवेक सिंह अक्षय कलश लेकर रायबरेली पहुंचे, जिनका हिंदू संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़े के साथ कलश को 7 मंदिरों में ले जाकर पूजन किया गया। विवेक सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी के मद्देनजर जनपद के सभी गांवों में प्रत्येक हिंदू परिवार को पूजित अक्षत श्री राम मंदिर का चित्र व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव व मंदिर की जानकारी लिखा हस्तपत्र दिया जाएगा। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने गांव मोहल्ले के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित दिया जाएगा। मेरा परिचय, मैं विवेक सिंह, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रायबरेली। आज ये यात्रा किस चीज की यात्रा है? आज बाबा जगमुनेश्वर धाम में हम सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। कल 4 और 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में अक्षत कलश का कार्यक्रम था, पूजित अक्षत का, और वहां से हम कार्यकर्ता गए थे और हम लोग वहां से जो है पूजा अर्चना करने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में हम लोगों को ये अक्षत और ये कलश दिया गया है। और हम निवेदन है हम सभी जनमानस से कि 1 जनवरी से लेकर के 15 तक हम सभी कार्यकर्ता टोली बना करके विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के सभी कार्यकर्ता घर घर गांव गांव घर घर जा करके कि एक भी गांव एक भी घर न छूटे, और इस अक्षत से निवेदन करेंगे कि 22 तारीख को जब श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम के मंदिर की होने वाली है, भव्य मंदिर बनने वाला है, तो आमंत्रण होगा, निमंत्रण होगा सभी कार्यकर्ताओं को कि अपने नज़दीक के जहाँ भी मंदिर हों उसको सजावट करें, और ये मान के चलें उस दिन ये मान। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।